अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विद शीरिन काजी। आज हम बना रहे हैं सिंपल और इजी चिकन और दालचा। देखिए, मैंने इधर बघारा खाना भी बना लिया है, बस मैंने इसकी रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि मेरे चैनल पे पहले से ही मैंने इसकी रेसिपी डाल दी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी इधर एक बाउल में चिकन ले लिया। चिकन में अभी हम डालेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, और अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अभी हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच दही के, अभी हम चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। चिकन मैरिनेट होने तक अभी हम दालचीनी को बना लेंगे। देखिए, मैंने चने की दाल को 15 मिनट पहले भिगो के रखा था। अभी हम कुकर में डालेंगे 1.5 गिलास पानी, अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक, अभी हम कुकर में डालेंगे 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मैं इधर ग्रीन दालचा बना रही हूँ, आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी हम इसमें 2 टमाटर डालेंगे कट करके, अभी हम कुकर को गैस पे रख देंगे। देखिए, मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और कुकर का ढक्कन लगा के इसको 5 सीटी में अच्छे से पका लेंगे दाल पकने तक। देखिए, 5 सीटी के बाद दाल अच्छे से पक चुकी है। अभी हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। देखिए, मैंने चने की दाल को अच्छे से पीस लिया। अभी हम इसमें डालेंगे इमली का पानी, आपको जितना खट्टा चाहिए आप उतना डाल दें। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, आपको जितना गाढ़ा चाहिए उतना रख लें आप। अभी हम इसको चूल्हे पर रख देंगे उबाल आने के लिए। देखिए, मैंने तड़के के लिए एक छोटा सा पैन रख लिया है। पैन में अभी हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे आधी बारीक कटी हुई प्याज। अभी हम प्याज को ब्राउन कलर होने तक अच्छे से पका लेंगे। अभी हम प्याज में डालेंगे 3 हरी मिर्च, मैंने इसको बीच से कट कर लिया है। अभी हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए धनिया और पुदीना के पत्ते। और इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, तड़का अच्छे से बन के रेडी है। मैंने दूसरे चूल्हे पे भी दालचे को गर्म करने के लिए रख दिया है। देखिए, दालचा अच्छे से उबल चुका है। अभी हम इसमें तड़का डाल देंगे। देखिए, माशाल्लाह हमारा दालचा बन के रेडी है। अभी हम इसको साइड में रख लेंगे और चिकन बना लेंगे। देखिए, मैंने इधर चिकन बनाने के लिए कढ़ाई रख लिया। कढ़ाई में अभी हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई और लंबे साइज में कटी हुई प्याज।
देखिए मैंने प्याज को डाल दिया। अभी हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके इसको ब्राउन कलर होने तक अच्छे से पका लेंगे। देखिए प्याज ब्राउन कलर की हो चुकी है। अभी हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर का पिसा हुआ पेस्ट और उसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर का पानी सूखने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। देखिए मैंने टमाटर के पेस्ट को अच्छे से पका लिया। देखिए इसमें ऑयल भी छूटने लगा है। अभी हम उसको एक बार अच्छे से मिक्स करके इसमें चिकन को डाल देंगे। देखिए मैंने चिकन को डाल दिया है। अभी हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से भून लेंगे। देखिए मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। देखिए माशाल्लाह 15 मिनट के बाद चिकन अच्छे से पक चुका है। अभी हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें थोड़ा भी पानी नहीं डाला था, बस ये चिकन और दही का पानी है। अभी हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढककर और 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे पानी सूखने तक। देखिए 10 मिनट के बाद माशाल्लाह चिकन अच्छे से पक चुका है। देखिए इसमें का पानी भी पूरा सूख चुका है, इसमें ऑयल भी छूटने लगा है। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच ही गरम मसाला डालेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए धनिया और पुदीने के पत्ते और 3 हरी मिर्च। अभी हम इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह चिकन बनके रेडी है। मैंने चिकन सूखा बनाया है। आपको थोड़ा लिक्विड चाहिए तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन बनके रेडी है। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए मैंने इधर सर्व कर लिया है दाल चावल और चिकन सूखे को। मैंने इसके साथ बघारा खाना भी बनाया था तो साथ में मैंने उसको भी रख दिया है। तो आपको मेरी ये दोनों रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।